हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे YouTube चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है आपका अपना GRC। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लाइन स्टैंडर्ड के बारे में, और मींस लाइन मेजरमेंट के बारे में और एंगल मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बना दी है काफ़ी डिटेल में, एक एग्जाम्पल लेके जो हो सकता है आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सको। तो ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देख लेना, और आता हो तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से कुछ सीख के जाओ। ये भी आता हो तो इस वीडियो को बंद कर दो, जाकर पढ़ाई करो यार, क्योंकि YouTube से कितना भी पढ़ लो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो अपन आते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं कि एंगल मेजरमेंट और लाइन मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइन मेजरमेंट मतलब क्या, कि अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेजरमेंट के तीन प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको डिफाइन किया कि तीन तरीके से, तीन एक्यूरेसी वाले मेथड्स हैं मेरे पास। सबसे लीस्ट एक्यूरेट जो है वो आपका लाइन मेजरमेंट है, उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है वो है एंड मेजरमेंट, जो कि जनरली अपन यूज़ करते हैं, और तीसरा जो मेजरमेंट का मेथड है जो काफ़ी प्रिसाइज है लेकिन काफ़ी महंगा भी है, वो है आपका वेवलेंथ मेजरमेंट है, जो जनरली आम आदमी नहीं कर सकता, अपने लेबोरेटरी कॉलेज कहीं पर भी नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज वगैरह में होती है, जहाँ पर फंडिंग भी बहुत ज़्यादा आती है गवर्नमेंट की, या फिर जो बड़ी लेबोरेटरीज है वहाँ पर। तो जनरली अपन यूज़ करते हैं वो होता है आपका एंड मेजरमेंट का मेथड। तो एंड मेजरमेंट क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, कि जैसे स्केल है आपका, स्केल की दो लाइन के बीच का मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, मीन्स आपके स्केल है उसमें अगर 0 से 3 की मार्किंग है, 3 वर्टिकल, 3 पे एक वर्टिकल लाइन होती है स्केल में, और 0 पे भी एक वर्टिकल लाइन होती है, और उन दोनों के बीच की अगर मैं लाइन खींचूँ, वही स्केल जो आप स्कूल कॉलेज में लेके जाते हो, तो उनके बीच का मैं लाइन खींचूँ तो जो डिस्टेंस आएगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। इट्स ऑब्वियस, ठीक है, इट्स ये ऑब्वियस है। तो ये जो मेजरमेंट का प्रोसीजर है, ये आपका लाइन मेजरमेंट, और ये लीस्ट एक्यूरेट है। लेकिन अगर कोई दो सर्फेसेस हैं, उनके बीच का मेरे को मेजरमेंट लेना है, जो कि स्लिप गेजेस या स्लिप ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट का प्रोसीजर है ये रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है, और इसको बोला जाता है एंड मेजरमेंट। वही अगर मैं क्रिप्टन की वेवलेंथ का यूज़ करूँ, तो मीन्स वेवलेंथ का यूज़ करूँ जल्दी जल्दी और सरल शब्द में मैं आपको बोलूँ, तो वो जो मेजरमेंट का मेथड है वो सबसे बेस्ट है, और उसको बोला जाता है वेवलेंथ मेजरमेंट का मेथड। तो इन तीनों के जरिए अपन क्या करते हैं, अपन लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं, मीन्स लाइन का मेजर करते हैं, और एंगल भी मेजर करते हैं, मीन्स लीनियर मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट करते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट के लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं आपके पास, और उनके भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा, और टेक्निकल स्टडी भी अपन करेंगे। सबसे पहले जो गैजेट आता है वो है आपका, बचपन से आपने जो देखा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, जो आपने अपने फ्रेंड का चोरी किया था, खैर वो है स्टील रूलर या स्टील स्केल, या फिर आपका जो प्लास्टिक का रूलर आता है वो, ठीक है, मजाक किया, ज़्यादा दिल पर मत लेना, तो खैर ऐसा है, खैर किया तो होगा क्योंकि मैंने तो किया था, ठीक है, किया है, बिल्कुल किया है भाई, और अनजाने में मेरे बैग से कितने स्टील रूलर या प्लास्टिक के रूलर निकलते मुझे खुद नहीं पता, तो ठीक है वो है। दूसरा आपका आता है क्या, वर्नियर कैलिपर आता है, ठीक है, माइक्रोमीटर आता है, लेबोरेटरी में आपने यूज़ किया होगा, ठीक, ये आपका आता है, स्लिप गेजेस आते हैं, स्लिप ब्लॉक्स आते हैं, फिर कैलिपर्स आते हैं, कैलिपर में भी 3-4 टाइप होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं ना। कैलिपर क्या करते हैं कि जैसे मान लो, जैसे लेबोरेटरीज में होता है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो कभी आपने लेथ मशीन को विजिट किया होगा, ठीक है, लेथ मशीन, या लेथ मशीन में क्या होता है, 3 जॉ चक 4 जॉ चक जनरली होता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, सेंटरिंग करना पड़ता है। तो सेंटरिंग करने के लिए क्या होता है कि आपको हाइट चेक करनी पड़ती है बार बार, तो उसमें जब मेजरमेंट लेते हो ना, तो वो आप किससे लेते हो, कैलिपर के थ्रू लेते हो। कैलिपर क्या करता है, जैसे आप स्कूल में जब डायग्राम वगैरह बनाते थे, या फिर आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते थे, तो राउंडर के साथ जो डिवाइडर यूज करते थे ना, डिवाइडर का क्या काम था कि लेंथ को शिफ्ट करना, राइट, वही आपका कैलिपर का काम, लेंथ को शिफ्ट करना, लेकिन वो लेबोरेटरी पर्पस में, तो उसको कैलिपर बोला जाता है। तो ये सब लीनियर मेजरमेंट के काम आते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स। और जो एंगुलर मेजरमेंट में है वो तो आपको पता ही है, प्रोटेक्टर है, लेकिन प्रोटेक्टर भी बहुत सारे हैं, ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है, डायल बेवल प्रोटेक्टर है, और बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टर्स हैं यार, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइन बार आता है, क्लिनोमीटर आता है, और बहुत सारे ऐसे एंगल मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं, नॉर्मल प्रोटेक्टर तो है ही, तो क्लिनोमीटर मैंने आपको बता दिया, तो उसके बारे में कभी और अपन बात करेंगे। तो एंगल मेजरमेंट में एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपन क्या करते हैं, अगर मैं एंगल गेज की बात करूँ, हाँ एंगल गेज भी है। एंगल गेज क्या है, जो अपन लीनियर मेजरमेंट में मींस लाइन मेजरमेंट में जो यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए, वहाँ क्या कर रहे हैं, स्लिप गेजेस का यूज़ कर रहे हैं। स्लिप गेजेस क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं काइंड ऑफ अपन,
तो उसी का या एनालॉजी आप बोल सकते हो यहां पर, क्या है एंगल गेज। यहां पर कैसे यूज करते हैं पता है, अगर आपको 30 डिग्री चेक करना है तो आपके पास बहुत सारे पीसेस होते हैं, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, 5 डिग्री का, 3 मिनट्स का, मिनट्स में भी होता है ना, क्योंकि डिग्री को आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हो, फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हो, मींस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे वगैरह का कन्वर्जन अपने पास है, अपने को मालूम है, और 1 मिनट इक्वल 60 डिग्रीज, तो सॉरी 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स एंड 1 मिनट इक्वल्स 60, सॉरी मेरे से कन्फ्यूजन हो जा रहा है यार, जो एक डिग्री है वो है आपका 60 मिनट्स एंड एक मिनट जो है वो है आपका 60 सेकंड्स। ठीक है, मैं बार बार रीटेक नहीं लेता हूँ यार, चाहे तो ये पार्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ बट मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो नेचुरल हूँ मैं आपके साथ वो हूँ, तो कन्वर्जन जो भी है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग अपने पास एंगल गेजेस अवेलेबल रहते हैं, एक मिनट के, एक डिग्री के, पाँच डिग्री के, और अपने को मेजर करना है 30 डिग्री, तो अपन छोटे 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 एंगल गेजेस को रखते हैं एक के ऊपर एक, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा स्टार्ट करके, मीन्स मैंने 15 डिग्री रखा, फिर 2 डिग्री रखा, फिर 5 डिग्री रखा, ऐसे मेजर कर करके मैं 30 डिग्री को मेजर करता हूँ। जस्ट लाइक मैं स्लिप गेजेस का इस्तेमाल करता था, वहाँ पर मैं क्या करता था, एक के ऊपर एक स्लिप गेजेस को रखता था ताकि मैं हाइट को मेजर कर सकूं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि सेम एनालॉजी यहाँ पर शिफ्ट होती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ध्यान आती है साइन बार। साइन बार यहाँ पर भी मेजरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक डिवाइस है, यह बहुत इजी सा है, एक रोलर टाइप का होता है, दो चक्के लगे रहते हैं और एक स्ट्रेट लाइन, जैसे आप ऐसे विजुअलाइज करो, दो रोलर है उसके ऊपर में एक एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से वो जुड़ा हुआ है, मींस कोई ऐसा आप बोल सकते हो कि रेक्टेंगल से या क्यूबॉइड से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि स्लिप गेज, जैसे बार बार आप स्लिप गेज का काम क्या है, लेंथ को मेजर करना। ठीक है, तो साइन बार क्या करता है, साइन बार भी सही एग्जैक्टली उसी लेंथ को मेजर करता है, लेकिन अगर मुझे एंगल के टर्म्स में बात करनी हो तो फिर क्या, साइन बार का मैं दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे एंगल मालूम है तो मान लो कि इतनी हाइट है, इतनी हाइट को मुझे मेजर करना है, तो मैं साइन बार को क्या करूँगा, ऐसे इंक्लाइंड वे में रखूँगा, और मुझे अगर मालूम है कि ये एंगल कितना है तो मैं साइन फॉर्मूले वगैरह से ये हाइट को निकाल सकता हूँ, मीन्स मैं लेंथ मेजर कर सकता हूँ। वही जो एक्चुअल काम है साइन बार का, या फिर साइन बार ही है, साइन बार का क्या काम है कि एंगल को मेजर करता है वो, और वो कैसे करता है कि अपने को स्लिप गेज की, स्लिप गेज तो मालूम है ना कि एक एक स्लिप गेज की हाइट कितनी है, तो आप बहुत सारे स्लिप गेजेस को मिलाओगे तो आपको पता रहेगा कि वो टोटल हाइट कितनी है, तो आपके पास ये हाइट है, और साइन बार जो है ना, साइन बार उसका लेंथ भी आपको मालूम रहता है, ऐसे दो रोलर से उसके बीच में जो रॉड जुड़ा हुआ है उसकी लेंथ आपको मालूम है, मीन्स ये स्लैंटिंग लेंथ मालूम है आपको, और ये हाइट भी मालूम है, तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, जैसे ये है और ये हाइपोटेनियस, ये मेरा हाथ, ये हाइपोटेनियस है, और ये आप ऐसे कह सकते हो, और ये मेरा बेस है, तो ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो एंगल मेजर आप कर सकते हो। तो मींस ये क्या एंगल मेजर कर रहे हो, ये आप कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा वगैरह आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो साइन बार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी पर्पज से भी और मेजरमेंट पर्पज से भी। मैं आपको बता दूँ, साइन बार जो है अगर उसकी एंगल मेजरमेंट करने की क्षमता 60 डिग्री के बाद उतनी अच्छी नहीं रहती, वो क्यों नहीं रहती पता है, जैसे जैसे थीटा एंगल बढ़ता है वैसे वैसे ऐसे जो हाइट है ना, मीन्स थीटा का एच के साथ जो प्रपोर्शन है वो कॉस थीटा के टर्म्स में वेरी करता है, और 60 डिग्री के बाद वो जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, मीन्स वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्लिप माफ करिए, जो साइन बार है वो अपन 60 डिग्री से कम में इस्तेमाल करते हैं, जनरली 20 25 30 डिग्री तक इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही था कि लाइन मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट इसके बेसिक्स को समझना, बाकी डिटेल में तो अपन सारे वीडियोस में कवर करेंगे। कैसे लगा वीडियो नीचे ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट हो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट हो यार नीचे कमेंट में पूछ लेना, मुझे अच्छा लगता है यार आप पूछते हो और मैं आपको आपके टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा आपको एनहेंस कर पाता हूँ, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है यार। और उससे कई ज़्यादा ज़रूरी आपको पता है क्या, अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।